बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर लिखेंगे हार्मोन। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे किशोरावस्था और इसके बाद हेडिंग डालकर यहाँ पर लिखेंगे जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद आइए बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। तो उत्तर यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद जो है ऋतुस्राव लिखकर हेडिंग डाल देंगे और फिर लिखेंगे स्त्रियों में यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उत्तर में लिखेंगे आप इस प्रकार से, उत्तर देंगे यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, और नंबर एक लिखेंगे लंबाई में वृद्धि, नंबर दो लिखेंगे शारीरिक आकृति में परिवर्तन, नंबर तीन स्वर में परिवर्तन, नंबर चार जनन अंगों का विकास, और इसके बाद लिखेंगे नंबर पाँच मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, और नंबर छः लिखेंगे शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ध्यानपूर्वक लिखें और इन्हें याद भी करें। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न है, दो कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। तो उत्तर में बच्चों आप ठीक इस प्रकार से लिखेंगे, एक टेबल सी बना लेंगे पहले, और उसके बाद इस टेबल के अंदर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और यहाँ पर स्रावित हार्मोन, और उसके बाद लिखेंगे नंबर एक पहले फर्स्ट पे लिखेंगे पीयूष ग्रंथि और इसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखेंगे थायरोट्रॉपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड में थायराइड और यहाँ पर लिखेंगे थायरोक्सिन, और थर्ड में लिखेंगे अधिवृक्क या एड्रिनल लिखेंगे और एड्रिनलिन हार्मोन। इसके बाद लिखेंगे फोर्थ पर, चौथे पे लिखेंगे अग्नाशय और यहाँ पर इंसुलिन, और नंबर पाँच पर लिखेंगे वृषण और यहाँ पर लिखेंगे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और उसके बाद लिखेंगे अंडाशय और यहाँ पर एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, और सही से लिखें, इन्हें याद भी करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसी प्रकार आप भी टेबल बना लें और उसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं, यहाँ पर छठा प्रश्न है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? आप उत्तर ठीक इस प्रकार से लिखें, उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर लिंग हार्मोन लिख देंगे और फिर हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं लिंग हार्मोन कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये हार्मोन जननांगों द्वारा स्रावित होते हैं तथा लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप उदाहरण भी दे सकते हैं बच्चों। उसके बाद जहाँ तक बात करें प्रकार की, तो प्रकार में आप लिखेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं टेस्टोस्टेरोन वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आपका ये छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। अच्छी प्रकार से इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही लिखना प्रारंभ करें। उसके बाद बच्चों आपका सातवां प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, और यहाँ पर क्या है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि नंबर एक है यहाँ पर आपके लिए, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, सेकंड है शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, और थर्ड है आपका किशोर को हर समय भूख लगती रहती है,
और चौथा है किशोर में स्वाद कलिकाएं अर्थात ग्रंथियां बलिभांति विकसित होती हैं। तो इनमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। हम आपको उत्तर बताएंगे अभी, आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। इसके बाद बच्चों ख है यहाँ पर स्त्रियों में जनन आयु यानी कि काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, और फर्स्ट में ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, सेकेंड है स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, थर्ड है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या फोर्थ में शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसमें से आपको फिर सही विकल्प चुनना है बच्चों। उसके बाद गय वाला है यहाँ पर, और गय में पूछा है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, और नंबर एक है यहाँ पर चिप्स नूडल्स कोक, और सेकेंड है रोटी दाल सब्जियाँ, थर्ड में है चावल नूडल्स बर्गर, और फोर्थ में शाकाहारी टिक्की चिप्स तथा लेमन पेय। तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर में। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, क वाले में लिखेंगे सेकेंड वाला सही है, और ख वाले में लिखेंगे बच्चों फर्स्ट वाला सही है, और ग वाले में सेकेंड वाला सही है। तो इस प्रकार से आप अपने जो है यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, सही विकल्प चुन सकते हैं। आई बात समझ में, सातवें प्रश्न का उत्तर ये आपका रहा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बच्चों आठवां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और किस पर लिखना आपने, फर्स्ट में है एडम्स एप्पल, और सेकंड में है गौण लैंगिक लक्षण, और थर्ड में है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। आई बात समझ में, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये फर्स्ट है, और यहाँ पर ये सेकेंड है, और ये थर्ड है बच्चों गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो यहाँ पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है इन पर। उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वाला एडम्स एप्पल, और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखेंगे यौवनावस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिकंस में वृद्धि का प्रारंभ होता है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। आई बात समझ में, इस प्रकार से आप फर्स्ट ऑप्शन का जो है यहाँ पर बारे में लिख सकते हैं एडम्स एप्पल के बारे में। इसके बाद बच्चों सेकेंड लिखेंगे गौण लैंगिक लक्षण, और यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, ये सेकेंड वाला है गौण लैंगिक लक्षण। इसके बाद लिखेंगे थर्ड में गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से दो गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं जिसमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। इसके बाद लिखेंगे बच्चों जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा लड़की पैदा होगी, और यदि वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो शिशु लड़का होगा। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका आठवां प्रश्न है बच्चों, और इसका उत्तर ठीक आप इसी प्रकार से लिखें, हेडिंग डालना ना भूलें। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं नौवां प्रश्न है शब्द पहेली। शब्द पहेली में शब्द बनाने के लिए संकेत का संदेश प्रयोग कीजिए, और यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, बाईं से दाईं ओर, नंबर तीन पर लिखेंगे एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, और चार नंबर पर लिखेंगे मेंढक के लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन, पांचवें पर लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ, और छठे में लिखेंगे किशोरावस्था को कहा जाता है। ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम, और दो नंबर पर लिखेंगे स्वर पैदा करने वाला अंग स्त्री हार्मोन, और नंबर तीन पर स्त्री हार्मोन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप इसमें भरेंगे, इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच और नंबर छः पर इस प्रकार से आप इनमें भरेंगे।
तो किस प्रकार से लिखेंगे, आप यहाँ पर उत्तर देखें, उत्तर में आप ठीक किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर, यहाँ पर जो है नंबर एक पर लिखेंगे नलिका विहीन, और यहाँ पर नंबर तीन पर लिखेंगे एड्रेनालिन, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर दो पर स्वर यंत्र, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर तीन पर नीचे को क्या होगा एस्ट्रोजन, और यहाँ पर जो है नंबर पाँच पर हार्मोन दिख रहा है ना आपको, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तीन नेजर्स, और यहाँ पर लिखेंगे कायांतरण, आई बात समझ में, नंबर चार पर कायांतरण। तो इस प्रकार से आप, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है शब्द पहेली बनी हुई है, ठीक आप इसी प्रकार से इसे भर सकते हैं और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर दसवां प्रश्न है, नीचे दी गई सारिणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं, लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए, और इस ग्राफ में आपने क्या करना है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये टेबल दिख रही है आपको, इसी प्रकार से आपकी जो है पाठ्य पुस्तक में आपको एक टेबल देखने को मिलेगी बच्चों, और इसमें आयु लिखा है यहाँ पर, आयु वर्षों में, लंबाई सेंटीमीटर में लड़के और लड़कियों की, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से भी। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई देगा, इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखें। इसके बाद आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि 4, 8 और 20 वर्षीय लड़कियों की लंबाई लड़कों से कम है, लेकिन 1 वर्षीय लड़कियों की लंबाई लड़कों से कुछ अधिक है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।